हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज काफ़ी दिनों बाद मैं शूटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैं अपनी जितनी ट्रैवल वीडियोस थी वो पोस्ट कर रही थी चैनल पे। तो इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रखी है। जब भी मैं कुछ ऐसा क्विक और ईजी बनाती थी मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती थी। तो मैंने सोचा था कि किसी दिन मैं सारी रेसिपीज़ कंबाइन करके एक क्विक रेसिपी वाली वीडियो पोस्ट करूँगी। तो सारी डिशेस की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आपको कुछ आइटम्स ऐसे दिखा देती हूँ जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास थोड़ा कम टाइम है और वो सब्ज़ी इतनी चॉप नहीं कर सकते और इतनी सब्ज़ी वो फ्रेश ला नहीं सकते अपने घर में, तो ये सब चीज़ें आप स्टॉक करके अपने फ्रिज में रखोगे। मतलब कि अगर आप फ्रीज़र में रखोगे तो जब भी आपको खाना बनाना होगा बहुत ही ईजिली और कम टाइम में आप खाना बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ, जैसे कि ये यहाँ की बेरीज़ है, तो ये फ्रोज़न बेरीज़ हैं। आप इससे स्मूदी बोल बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट रेसिपी इसी से स्टार्ट करूँगी, बट इससे पहले मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखा देती हूँ। सो कुछ ऐसी सब्ज़ियां हैं जो आप अपने इंडियन कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न सब्ज़ियां जो कि बहुत ही इजीली किसी भी जर्मन सुपरमार्केट में मिल जाती है। रेव, आल्डी, लिडल, पेनी, कहीं पे भी चले जाइए आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करके एक मिक्स्ड सब्ज़ी का एक ये बॉक्स है। डिफ़रेंस बस ये है कि ये बटर गेमूज़ हैं, मतलब कि इसके अंदर बटर है सारी सब्ज़ियों के साथ। तो इसमें आपको गाजर, मटर, गोभी और कॉर्न, ये सारी सब्जियां हैं। बहुत ही अफोर्डेबल पैकेट में आता है और इसमें कुछ एक हर्ब भी है। तो आप इससे फ्राइड राइस इजीली बना सकते हैं, कोई सब्ज़ी मिक्स्ड वेजिटेबल बना रहे हो तो आप इजीली वो क्विकली बना सकते हैं। तो ये मैं हमेशा रखती हूँ। इस बार मैं एक ये ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा है। तो इस बार मैं जब गई थी आल्डी तो वहाँ से मैं एक ये सब्ज़ी का पैकेट लेके आई हूँ। इसके अंदर भी सेम, मतलब इसके अंदर गोभी नहीं है, तो गाजर, कॉर्न और मटर, और ये बिल्कुल विदाउट एनी बटर है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये 1 kg का पैकेट है, काफ़ी दिन तक चलेगा अगर आप फ्रीज़र में रखोगे। जब खुल जाता है तो मैं इसको एयर टाइट बैंड से बंद कर देती हूँ। और ऐसे ही आपको मटर मिल जाएगी। तो ऐसा सा कुछ मटर का पैकेट आता है और आपको ब्रोकली का भी पैकेट मिल जाएगा अगर आप ब्रोकली खाते हैं। देन जब पाव भाजी बनानी होती है तो मैं कभी सारी सब्ज़ियां चॉप नहीं करती, एक ऐसा मिक्स्ड वेजिटेबल का पैक आता है। तो इसके अंदर सिर्फ मुझे आलू मिलाना होता है एक्स्ट्रा, और फिर बहुत ही जल्दी पाव भाजी बन जाती है पाव भाजी मसाले से। तो ये भी आप ला सकते हैं मार्केट से। और एक और चीज़ है, अगर आप पालक खाते हैं, मतलब कि पालक पनीर, पालक पुलाव या फिर पालक की कोई सब्ज़ी, तो 2 टाइप के आपको फ्रोज़न पालक मिल जाएंगे। आपको नॉर्मल फ्रेश पालक भी मिल जाता है इजीली, बेबी स्पिनच बोलते हैं, वो मार्केट में मिलता है। बट कई बार ऐसा हो जाता है वो इतना सारा होता है आप ख़त्म नहीं कर पाते और काफ़ी दिन तक पालक फ्रिज में चलता नहीं है। तो मैं फ्रोज़न वाला प्रेफर करती हूँ। 2 टाइप के इसमें फ्रोज़न आते हैं। एक ब्रिक आती है पूरी, जिसको अगर आपको ढेर सारा पालक बनाना है और आप एक साथ यूज़ कर लीजिए क्योंकि उसको तोड़ना बीच में से बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा ऑप्शन होता है ऐसे एक सिलेंडर टाइप के क्यूब्स होते हैं, तो इससे मैं पालक पनीर भी बना लेती हूँ। जितना मुझे पालक चाहिए होता है ईजिली मैं उतने सिलेंडर्स, छोटे छोटे क्यूब्स निकाल लेती हूँ और पालक पुलाव बन जाता है। और इसमें भी थोड़ा सा क्रीम मिला हुआ है। आप ये भी किसी भी जर्मन सुपरमार्केट से ले सकते हैं, ब्रांड्स डिफ़र करेगा बट आपको सेम आइटम ज़रूर मिल जाएगा। एक और चीज़ मिस हो गई, वो है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप चाइनीज़ बना रहे होते हो, जैसे आपको चाउमीन बनानी है, नूडल्स बनानी है या फिर कुछ भी ऐसा फ्राइड राइस बनानी है, तो ऐसे एशियन तो नहीं बट वॉक मिक्स नाम से, ये मैंने रेवर से लिया था। इसके अंदर सारी सब्ज़ियाँ हैं और बस एक चीज़ है इसमें जो मुझे पसंद नहीं है, वो पूरी मटर छिलके के साथ है। तो जब भी वो आ जाती है मेरे खाने में तो मैं उसको निकाल देती हूँ। मेरी आदत नहीं है छिलका खाने की मटर के साथ। तो बाकी सारी वेजिटेबल्स तो एडिबल हैं। देन ये छोटे पैकेट्स बहुत ही इजी होते हैं उस टाइम के लिए जब आपके पास भीगे हुए राजमा या भीगे हुए चने नहीं होते हैं, और इजीली आप टोमेटो प्यूरी के साथ अपना खाना फटाफट बना सकते हैं।